लाइए माँ जी, ये ले लीजिए। अरे मैं अभी तो मौसम्बी का जूस मैंने खत्म किया। माँ कुछ नहीं होता, पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है ये। बिल्कुल माँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप पहले की तरह जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाइए। वैसे भी नमित आपके लिए अंगूर लेकर आए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, इतना सब करने की क्या जरूरत है। कैसी बात करती हूँ माँ, ये तो हमारा फर्ज है। माँ हम किसी हालत में भी नहीं चाहते कि हमारी किसी भी कमी की वजह से आपको ये लगे कि आपने अशोक भाई साहब के यहाँ ना जाकर कोई गलती की है। बिल्कुल माँ जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, फौरन मुझसे कह दीजिएगा, वरना अगर अशोक भाई साहब को पता चलेगा तो फिर वो एज यूजुअल 3 की 13 बातें करेंगे। और माँ आप तो जानती है कि अशोक जरा सी बात का बतंगड़ बना लेता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आप यहाँ आराम से रहिए। धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी बुला देती हूँ। धर्म बेटा, धर्म। अरे प्रियंका जरा धर्म को बुला दे। चाची वो तो नहीं है, कमरे में होगा, जाकर देख। नहीं वो आधा घंटा पहले निकला था, मैंने उसे खुद बाहर जाते हुए देखा। रात भी देर से आया था, सुबह बिना बताए चला गया, घर में किसी को पता नहीं। हॉस्पिटल में भी नहीं दिखा वो, क्या है हमेशा ही ऐसे बिना बताए चला जाता है? ये अच्छी बात नहीं है किशोर। वो माँ यही आसपास कहीं गया होगा इसलिए बता के नहीं गया। माँ वो हमेशा ऐसा नहीं करता है। हेलो जी, जी एक मिनट, पापा मिस्टर सिंघानिया का फोन है। सिंघानिया साहब, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ जी हाँ, नहीं मैं आधे घंटे में आपको ऑफिस में आके मिलता हूँ। जी हाँ ठीक है सर।